देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित होता है और स्वयं प्रकट हुए स्वयं वो शिवलिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे 2 गुना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है। 4 कुंडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1000 प्रस्थ नैवेद्य निवेदक किया जाए तथा जल तेल आदि गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखनी चाहिए। उन शिवलिंगों को महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदक करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तंबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले होते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनमें अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज श्री गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को सुनने आदि भाद्रपाद मासों में, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पोष मास में शत भिक्षा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 सहस्त्र दिनों में 100 सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला कार्य नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन एवं भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव की पूजा को आत्म शुद्धि प्रदान करने वाली समझनी चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और रक्षा नहीं होता, इसलिए पूर्ण ब्रह्म रूप मानना चाहिए। सूर्योकाल से लेकर सूर्योकाल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है। जो ब्राह्मण आदि वर्णों के कर्मों का आधार है, विहित तिथि भूभाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक स्थिति रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जाप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है, पूज्यते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्यत उत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि है। जिसमें कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान से ये अभिष्ट वस्तुएं सकाम है। भाव को ये अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता होती है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है और नित्य नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देने वाला होता है। किंतु काम्य कर्म फल आदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फल देने वाला होता है। प्रतिदिन 1 पक्ष, 1 मास, 1 वर्ष लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और वैसे ही पापों का क्रमशः नाश होता है।
प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली, एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली, चैत्र मास में चतुर्दशी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है, और जब सूर्य सिंह राशि पर हो उसमें भद्रपाद की चतुर्थी को श्री गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रवण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भद्रपाद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान श्री विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रवण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन कराता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो उस समय दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उन अवसरों पर भी श्री शिव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई भगवान शिव की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में भगवान शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जम और नियम आदि द्वारा समस्त देवताओं को 16 उपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मण को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देवराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करें और तेल तथा सूती वस्त्र आदि देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे काली मिर्च वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ भगवान शिव का पूजन मनुष्य के महान दरिद्रता को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला होता है। घर की आवश्यकता सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। उनके मुंह
से निकली हुई एक बात सत्य होती है। कृतिकायुक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिकायुक्त गुरुवार को धन से श्री ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु सोना और घी का दान करने से मनुष्य भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिकायुक्त शुक्रवार को गजानन श्री गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानव के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने के बाध्य को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिकायुक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना दिग्गजों नागों और सेतुपालों का पूजन त्रिनेत्रधारी रुद्र पाप हरि भगवान विष्णु तथा ज्ञानदाता भगवान ब्रह्मा आराधन और धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग दुर्मृत्यु और अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा कलिकालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक लोहा तेल और उड़द आदि का त्रिकुट सौंठ पीपल गोल मिर्च फल गंध और जल आदि का दान तथा धृत आदि द्रव्य पदार्थों और सुवर्ण मोती आदि कठोर वस्तुओं का दान भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसमें से नमक आदि का मान कम से कम एक प्रस्थ एक सेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम एक पल। धन की संक्रांति से युक्त पोष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पोष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह अभिष्ट सिद्धि आयोग्य धर्म वेद सम्यक ज्ञान उत्तम अनुष्ठान का फल इस लोक और परलोक में महान भोग अंत में सनातन योग मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्ग शीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पोष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उस काल में लेकर संगव काल तक ही पोष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पोष मास में महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रात काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जाप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जाप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों द्वारा सदा जाप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद रूप है, बिंदु शक्ति और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप है, नाद बिंदु और बिंदु जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शिव और शक्ति संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव रूप है क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही अधेय का समावेश है अथवा लय होता है, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का सारा कारण बताया जाता है। बिंदु देव और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता, इन माता पिता के पूजित होने के परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का ही विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। देवी उमा जगत की माता और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्या अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। ये पूजक पर कृपा करके अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरो, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर ही पूजा करनी चाहिए। भार्व शिव पुरुष स्वरूप हैं और भारवा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक और अधिष्ठानाद रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति।
पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से जो जगत का अव्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का अद्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया हुआ उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण छह भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मात्र पितृ स्वरूप को शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें। इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मैल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभूलिंग नाद रूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसे अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है, वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है, वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं, उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के छह भेद हैं। इन छह लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 16। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विचेचन, उसके जाप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कर्ण रुद्र के लोकों तक विचेचन करके कलातीत पंचावरण विशिष्ट शिव लोक के अनिर्वाचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभु, महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप का प्रणव महत्व तथा शिव भक्ति के पूजन का प्रकार बताइए। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु उसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। यद्यपि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणाम का प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इसे पार करने के लिए दूसरी नाव, इसलिए ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जाप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच न नहीं, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपने जाप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करने के लिए यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। अथवा उन माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं, जो परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसके प्रणव नाम से जानते हैं। अथवा प्रकाश रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। अक्षर रूप जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए। नमः शिवाय इन पांच अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिनमें पंचाक्षर अक्षर व्यक्त नहीं होता, वह सूक्ष्म है, और पांचों अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है, वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यदि जीवन मुक्त के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की
दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जाप की सहज साधना स्वतः होती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव जप का जाप करता है, उसके आर्यभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। जब तक शरीर नष्ट होता है तब तक पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है, जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के हस्र और दीर्घ भेद से जो रूप जानने चाहिए, आकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला, इससे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ मैं, इन तीनों तत्वों से युक्त इसी को हस्र प्रणव कहते हैं। अ शिव है और उ शक्ति और मकार इन दोनों की एकता, वह त्रितत्व रूप है, ऐसा समझकर हस्र प्रणव जाप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हस्र प्रणव का जाप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी जल तेल वायु और आकाश, ये पांच भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके पांच विषय, ये सब प्रकार मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य को कामना के विषय देती हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रावृत अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रावृत्त पुरुष को हस्र प्रणव का ही जाप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्यावहात्यों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जाप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ का जाप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है, तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ जाप करके वह जल तत्व को जीत लेता है, पुनः 9 करोड़ जाप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है, तदंतर फिर 9 करोड़ का जाप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है, फिर 9 करोड़ के जाप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जाप करके वह क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जाप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ का जाप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जाप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुए महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जाप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार मात्र का न्यास तथा षड्योष शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्याय फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जाप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, ब्राह्मण इंद्रियों को जीत कर वश में करता और मन को वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है वह तपयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जाप किया करता है उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजों, अब मैं जप योगी का वर्णन करता हूँ, तुम सब ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप तप करते करते अपनी आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों,
पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विशक्ति में शिव शब्द हो, तो पंचातत्व नामक शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जाप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जाप करता रहे। माघ और भादों के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समय से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जाप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जाप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर ध्यान करके पंचाक्षर मंत्र का 500,000 बार जाप करे। जाप काल में इस प्रकार ध्यान करे। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाई जांग पर आदिशक्ति माँ भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चार हाथों में मृंग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सब अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय एवं सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जाप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्मों से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं शुद्ध स्थान में शोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 बार जाप करे। तत्पश्चात 5 सपत्निक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वरण करे। इसके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करे। उसे साम सदा शिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष और अघोर वामदेव तथा सजोजात इन 5ों के प्रतीक स्वरूप को ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करके तत्पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरम्भ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धारण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों से पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करें। कुशव कांडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज भागांत हुए आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 100 अथवा 1,000 आहुतियां स्वयं ही दे, अर्थात विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलवाए। होमवर्क समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रकृति रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को साम सदा शिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोए, उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देकर गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदंतर दिक्पालों की बलि देखकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जाप समाप्त करे। इस प्रकार पुरुष चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 500,000 बार जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 500,000 का जाप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग के भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जाप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 500,000 का जाप करे उसे श्री ब्रह्मा जी का समीप्य प्राप्त होता है।
पुनः 5 लाख का जाप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जाप करने से वह साक्षात भगवान ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्यवराह हिरण्यगर्भ का सानुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह श्री ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों पर पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत श्री ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए। सत्यलोक के ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक के ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वही तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। कर्म भोग या तो प्राप्त होता है इसलिए माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग या तो अर्थात प्राप्त होता है इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्म माया पाशों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर जो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक हैं, वो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीवन कोटि और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण करने के बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वह ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। अधि भौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे के लोगों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हो वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उसके ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य सोच अहिंसा और दया की ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के ऊपर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि और मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है ये कारण आदि में स्थित है ऐसा जानना चाहिए। क्रिया रूप वृषभाकार धर्म कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश्वर जो अपनी अपनी आयु हैं उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है और न रात, न जन्म है और न मरण। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है जो 5 भौतिक गंध से आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनके ऊपर फिर कारण रूप भगवान विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी भगवान रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण विश्व शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है।
उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। ये सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन पांचों कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर क्रिया अनुग्रह करते हैं। वे स्व आत्मा राम है और समाधि रूप आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान रहते हैं। कर्म धर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कार्यों में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। स्व आत्मा रूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्व आत्मा राम स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धियों को दूर करते हैं, उसी प्रकार कृपा करने से कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप स्व आत्मा राम प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः भगवान नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वयं वेद शिव वैभव है, उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको श्री शिव की कृपा से ही हो सकता है, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 500,000 जाप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात भगवान शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह भगवान शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर भगवान शिव रूप ही है, अतः उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो भगवान शिव के भक्त हैं, वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जाप कर लेता है, उसके शरीर को उतना उतना ही भगवान शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही रूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव रूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। पराशक्ति वेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इसका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति स्वरूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए भगवान शिव और माँ शक्ति का पूजन करता है। वह मूल रूप की भावना करने के कारण भगवान शिव का ही रूप है। शिव भक्त भगवान शिव मंत्र रूप होने के कारण भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव गोपासक भगवान शिव की सेवा करता है उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5 या 10 सोपत्निक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में और मंत्र में भगवान शिव की भावना रखते हुए उन्हें भगवान शिव और माँ शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। अध्याय 17, बंधन और मोक्ष का विचेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, भगवान शिव एवं गुरु शब्द की व्यतु उत्पत्ति तथा भगवान शिव के भस्म धारण का रहस्य।
ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ श्री सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है, बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणा, आत्मक, अहंकार और 5 तन्य मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकाटयाष्टक घटक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है, देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और भेद के कारण से 3 प्रकार जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रियां भोग प्रदान करने वाला, कारण शरीर आनंदमय की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं, वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और दुख पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवात भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का सधवन एवं आराधना करनी चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वो भगवान परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार भगवान शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे भगवान शिव कहे गए हैं। भगवान शिव ही सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण तथा निष्प्रह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना, उनके भीतर अनंत शक्तियों को धारण करके महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें तो भगवान शिव ही परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के ही उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, भगवान शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में भगवान शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका यह कृपा प्रसाद सत्य होता है। भगवान शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्व आत्मा राम से विराजमान होता है। परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर, अध्याय 17, बंधन और मोक्ष का विचेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, भगवान शिव एवं गुरु शब्द की उत्पत्ति तथा भगवान शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ महर्षि सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों,
मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति बुद्धि महत्व त्रिगुणा आत्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्यघष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि आत्म तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार से जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रियों भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मनंद की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीव को उनके प्रारब्ध कर्मा अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः है कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 यश बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगाता है, उसी प्रकार भगवान शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उसके ऊपर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। भगवान शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निष्प्रह हैं। सर्वज्ञता तृप्ति अनादि बोध स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और उनके भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। कहता है भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें तो भगवान परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में भगवान शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में भगवान शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। भगवान शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्व आत्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर भगवान शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, जब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्यमात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बिका सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उनके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उनका वश में होना सृष्टि मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है।
वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सजीव मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में भगवान शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र, शिव जप और शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सजो जाति मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो भगवान शिव की पूजा करता है वह भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सूत जी, लिंग आदि में भगवान शिव की पूजा का क्या विधान है यह हमें बताइए। श्री सूत जी ने कहा, विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। यह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग, लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्होंने भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो ज्ञात लिंग हैं, उन सबको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयं भूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग और तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो, उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्यक्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए भगवान शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयं भू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयं भूलिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयं भूलिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्री लिंग का आलेखन करके उसे भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। ऐसा बिंदुमय लिंग स्थावर और जगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसे भगवान शिव का दर्शन भावना में ही है ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर वे अविष्ट फल का प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा कृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधना के अभ्यास से उनको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग भी कहा गया है। लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु वह प्रकृति लिंग है इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है।